रफ्तार घटने से चक्रवाती तूफान हुदूद हुआ और भी खतरनाक। करीब 7 घंटे में विशाखापट्टनम पहुंचेगा तूफान, रफ्तार घटकर 10 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे। विशाखापट्टनम में दिखने लगा तूफान का आगाज, तेज हवाओं के साथ बारिश, बिजली गुल, पेड़ उखड़े। ये वेरी सीवियर साइक्लोन है, यानी अति भीषण चक्रवात है ये, और जो हवा की गति है इस वक्त 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की है। हुदूद के विशाखापट्टनम से टकराने के वक्त 195 किलोमीटर की रफ्तार से आ सकती है आंधी, 6 मीटर तक उठ सकती है लहरें, मूसलाधार बारिश के भी आसार। आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी हाई अलर्ट पर। विशाखापट्टनम से लेकर बालासोर तक करीब 800 किलोमीटर तक तट पर तूफान का सीधा असर, हो सकती है 24 से 25 सेंटीमीटर बारिश। ओडिशा के गंजम, गजपति, गोपालपुर और कंधमाल में भी अलर्ट, प्रभावित इलाकों की 40 ट्रेनें रद्द। संभावित इंटेंसिटी अवश्य बड़ी है, शुरू में कहा गया था कि 145 से 150 किलोमीटर की स्पीड पर आएगा, अब 170 से 180 का अनुमान लगाया गया है, और ये इसलिए भी चेंज हो जाता है क्योंकि तो एक प्राकृतिक चीज है। हुदूद से निपटने के लिए सरकार ने बनाए कंट्रोल रूम, गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम का नंबर 011-230-93566 और 011-230-93563। राहत और बचाव के लिए लगाई गई एनडीआरएफ की 42 टीमें, आंध्र प्रदेश में 24 और ओडिशा में 18 टीमों की तैनाती, हर टीम में 40 से 50 सदस्य। नौसेना और वायुसेना और कोस्ट गार्ड भी अलर्ट पर, प्रधानमंत्री ने ली समीक्षा बैठक, प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के संपर्क में रहेंगे गृहमंत्री। प्रधानमंत्री स्वयं ने आज ही बैठक ली है और इससे पहले भी पिछले 2-3 दिन से वो निरंतर इस चीज पर जानकारी हासिल करते रहते हैं, और उन्होंने इस बात पर ही बल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को जो भी हम सहायता दे सकते हो या जो भी वो मांगे उस सहायता को केंद्र एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई जाए। सरकार ने 4 लाख लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला, हुदूद से करीब 20 लाख लोगों के प्रभावित होने की आशंका। सबसे ज्यादा 46,000 लोग आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से निकाले गए, विशाखापट्टनम से सुरक्षित ठिकानों पर भेजे गए 24,000 लोग। चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार, लोगों को शिफ्ट करने के लिए 370 रिलीफ कैंप बनाए गए। प्रशासन ने 199 नाव को तैयार रहने के आदेश दिए, 5 जिलों में 689 तैराकों की तैनाती। भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान अलर्ट पर, 7 हेलीकॉप्टर, 6 एयरक्राफ्ट उड़ान के लिए तैयार। आवश्यक संपर्क के लिए 15 सैटेलाइट फोन का भी इंतजाम, प्रभावित जिलों के डीएम से सीधे संपर्क में केंद्र। सुनिश्चित कर रहे हैं, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के द्वारा दिन में 2 बार हम मीट करते हैं, और स्टेट चीफ सेक्रेटरीज को हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक से हम लेते हैं साथ में, बल्कि आंध्र प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, उन वो 4 डिस्ट्रिक्ट जहां की इसका प्रकोप होने की ज़्यादा आशंका है, उनको भी हम वीडियो लिंक से हम देखा रहते हैं। भोजन, तंबू, कपड़ों और दवाओं सहित राहत सामग्री तैयार, केंद्र ने राज्यों की गुजारिशों को दी तरजीह। कोस्ट गार्ड की करीब 13 शिप्स हैं, एयर सपोर्ट है नेवी का, 6 नेवल हेलीक�प्टर्स हैं विशाखापट्टनम में, 2 डोनियर्स हैं, और फिर एयरफोर्स के और ट्रांसपोर्ट फिक्स विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ये अवेलेबल हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भी आपदा से निपटने के लिए बैठक बुलाई, प्रभावित जिलों में किया मॉक ड्रिल, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। झारखंड में भी हुदूद से निपटने की तैयारी, रांची में बनाया गया कंट्रोल रूम, एनडीआरएफ की 2 टीमें रांची और जमशेदपुर पहुंची। फिर बीती रात पाकिस्तानी रेंजर्स ने की अरनिया सेक्टर में फायरिंग, रात करीब 8 बजे मोर्टार से किया हमला, बीएसएफ के 15 पोस्ट पर फायरिंग। 5 दिनों की शांति के बाद बीती रात फिर अरनिया और आरएसपुरा में हुई फायरिंग,
82 mm मोर्टार का किया गया इस्तेमाल। बीएसएफ के जवानों ने भी मोर्टार से दिया करारा जवाब। स्थानीय निवासियों ने सुरक्षित ठिकानों पर ली शरण। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा की ओर आते दिखे दो लोग और एक कुत्ता। भारतीय सेना के नाइट विजन कैमरे में दिखी तस्वीर। सर्विलांस उपकरण के जरिए सामने आया पाकिस्तान का सच। अखनूर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंची आज तक की टीम। चुनाव प्रचार के लिए तीसरी बार आज मुंबई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बोरीवली में रैली को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में मोदी की आज कुल 5 रैली। पंडरपुर, तुलजापुर, लोहा में भी पार्टी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। अमित शाह की भी महाराष्ट्र में 4 चुनावी रैली। जालना, नांदेड़, करजाना और परभनी में जनसभा का आयोजन। पुणे में लालकृष्ण आडवाणी और प्रकाश जावड़ेकर करेंगे रोड शो। पुणे में ही आरआर पाटिल की भी चुनावी सभा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी महाराष्ट्र में संभालेंगे पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान। नागपुर और बुलढाणा में रैली। दिल्ली के विज्ञान भवन में कल आयोजित हुआ समारोह। सभी सांसदों को था न्योता। राजीव शुक्ला समेत कांग्रेस के 3 सांसदों ने समारोह में की शिरकत। शिवसेना का कोई भी सांसद नहीं हुआ शामिल। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना का ब्लूप्रिंट तैयार किया। योजना के तहत मॉडल गांव बनाने की योजना। हर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का कोई गांव विकास के लिए चुनेगा, लेकिन वो गांव सांसद या उनकी पत्नी का नहीं होगा। पीएम मोदी ने खुद भी एक गांव गोद लेने का किया जिक्र, लेकिन गांव के नाम का नहीं किया खुलासा। मुझे भी बनारस के लिए गांव अभी सिलेक्ट करना बाकी है। आज ये गाइडलाइंस आ गई है, मैं भी बनारस जाऊंगा, सबसे मिलूंगा, बात करूंगा और एक सबका मन बना करके मैं भी एक गांव सिलेक्ट करूंगा। 14 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे मोदी। बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर का करेंगे उद्घाटन। देवरिया से सांसद और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा भी मुहिम में जुड़े। 82 गांव को आदर्श गांव बनाने का किया ऐलान। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर भी सवारेंगे एक गांव। ऊना के तेलहान गांव को बनाएंगे आदर्श। चुनाव प्रचार के दौरान गरजे उद्धव ठाकरे। कहा शिवसेना कोई चूहा नहीं, शेर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की थी चूहे से तुलना। बीजेपी की तुलना में बताया था चूहे जैसा है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। मोदी ने दी बधाई। कैलाश सत्यार्थी ने स्वच्छ भारत और सांसद आदर्श ग्राम योजना की तारीफ की। इन अभियान में योगदान जताए देने की इच्छा जताई। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने पर बधाइयों का सिलसिला जारी। अन्ना हजारे ने दी सत्यार्थी को बधाई और मलाला को भी शुभकामनाएं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मोदी पर ली चुटकी। कहा लगता है वो गुजरात के प्रधानमंत्री हैं और भारत के लिए कर रहे हैं प्रचार। केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी के बयान पर चुनाव आयोग ने जाहिर की नाखुशी। भविष्य में गलत बयानी से बचने की दी नसीहत। 5 अक्टूबर को लातूर में प्रचार के दौरान गडकरी ने दिया था विवादित बयान। वोटरों से पैसे लेकर मनमर्जी से वोट देने की कही थी बात। दिल्ली में तिहाड़ के जेल नंबर 2 में कटी ओम प्रकाश चौटाला की रात। कल भेजे गए थे जेल। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर ओम प्रकाश चौटाला ने किया सरेंडर। जेल जाने से पहले समर्थकों से बोले, हम तो चले जेल साथियों। दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास बदमाशों ने की पुलिस वालों पर 4 राउंड फायरिंग। बाल बाल बचे दोनों कांस्टेबल। पुलिस को मिली थी अवैध हथियार और बदमाशों की खबर। शंकर मार्केट के करीब हुई गोलीबारी की घटना। फायरिंग की आवाज सुनकर भीड़ ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दूसरा आरोपी फरार। दिल्ली के अशोक नगर में महिला ने की खुदकुशी। करवा चौथ मनाने के लिए पति के रुपये नहीं देने से इनकार करने पर लगाई फांसी।
मायके वालों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। दिल्ली के वसंत कुंज में तेज रफ्तार कार खंभे से टकराई, शराब के नशे में कार चला रहा था ड्राइवर, कार में सवार 3 लोग जख्मी। ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में पेट्रोल पंप पर तेल भराकर भाग रहे बदमाशों को गार्ड ने मारी गोली, एक बदमाश जख्मी। सीसीटीवी में कैद हुई आरोपियों की तस्वीरें, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में सैकड़ों की संख्या में अवैध रसोई गैस सिलेंडर बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दिवाली से पहले मुनाफे के लिए कालाबाजारी की थी तैयारी, पुलिस ने घर को सील किया। दिल्ली में खेले गए दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने लिया कोच्चि में हार का बदला, वेस्टइंडीज को 48 रनों से दिमाग। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दी थी 264 रनों की चुनौती, 47वें ओवर में 215 रनों पर ढेर हुआ वेस्टइंडीज। भारत की ओर से विराट कोहली और सुरेश रैना ने दिया 62-62 रनों का योगदान, 51 रन बनाकर नाबाद रहे धोनी। फिर नहीं चले सलामी बल्लेबाज शिखर धवन, महज 1 रन के निजी स्कोर पर जेरोन टेलर ने किया बोल्ड। वेस्टइंडीज की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे टेलर, 10 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट झटके। फिरोजशाह में भारतीय गेंदबाजों का लाजवाब प्रदर्शन, शमी ने 4, जडेजा ने 3, जबकि अमित मिश्रा ने झटके 2 विकेट। वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज ड्वेन स्मिथ और डेरेन ब्रावो ने पहले विकेट के लिए बनाए 64 रन, 26 रन के निजी स्कोर पर ब्रावो बने पहले शिकार। मोहम्मद शमी ने झटका ब्रावो का विकेट, 14वें ओवर में दिया वेस्टइंडीज को बड़ा झटका। सबसे ज्यादा 97 रन बनाने वाले स्मिथ शतक से चूके, शमी ने किया बोल्ड। शमी ने 10 ओवर में 36 रन देकर 4 विकेट किया हासिल, मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्यों ने ललित मोदी को अध्यक्ष पद से हटाया, अविश्वास प्रस्ताव किया पास। अमीन पठान बने आरसीए के कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष हैं पठान। आज से भारत के पहले फुटबॉल लीग का आगाज, कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में कोलकाता और मुंबई के बीच पहला मुकाबला। इंडियन सुपर लीग के रंगारंग उद्घाटन की तैयारी, ओपनिंग सेरेमनी में प्रियंका चोपड़ा, जॉन अब्राहिम और अभिषेक बच्चन करेंगे परफॉर्म। फुटबॉल की कुल 8 टीमें लेंगी हिस्सा, 10 हफ्ते तक चलेगा मुकाबला।